हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो यार बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यार ये गलतियां करते हैं, पूरा उन्हें पता नहीं होता कि जिस दिन हम एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उस दिन कैसे पूरा प्रिपेयर होके जाना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, क्या चीज़ें नहीं कैरी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि अगर आपने इनमें से एक भी गलती करी तो हो सकता है कि आप सेंटर पर चले जाओ और उसके बाद आपको वहां से भगा दिया जाए लात मार करके। तो ऐसा आप नहीं चाहते ना कि यार हमें भगाया जाए, ठीक है, हमसे कुछ गलती ना हो जाए उस टाइम जाए। तो बिल्कुल एक मोटिवेटेड से फील रहे, एक बिल्कुल कूल सा माइंड लेकर के वहां पहुंचे और हमें कोई भी इशू ना आए। तो आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वी हैव द एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग हर साल ही आप लोगों के लिए ये चीजें कर रहे हैं। तो इसलिए यार ध्यान से इस वीडियो को देखना, हर चीज बताने वाले हैं कि यार क्या कैरी करके ले जाना, क्या नहीं कैरी करके ले जाना, कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा ओवरव्यू कि इस वीडियो में होने क्या वाला है, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली आपको जो लेकर के जाना है दैट इज योर एडमिट कार्ड, ठीक है। ये एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे ही अभी एडमिट कार्ड आने वाला होगा या आप आने के बाद देख रहे होंगे वीडियो, तो एडमिट कार्ड आएगा और उसी में आपका अंडरटेकिंग भी होगा, ठीक है। उस को पूरा फिल आउट करके जाना है। अब बात आई कि भैया जो एडमिट कार्ड है वो कलर्ड होना चाहिए या फिर हमारा ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। देखो यार मैं आपको बोलूंगा सेफ साइड के लिए आप रख सकते हो अपना कलर्ड को, वैसे ब्लैक एंड व्हाइट से भी कोई इशू वहां पे नहीं होता है, ठीक है। एंड अगर बात की जाए तो भैया कितने लेके जाने, वैसे तो एक ही पेज फर्स्ट पेज ही रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है, आप पूरा मत ले जाना, फर्स्ट पेज से काम आपका चल जाएगा। बात आई कि भैया उसमें क्या क्या फिल करना होगा। देखो यार आपकी जहां तक बात है यार कि इसमें जो हमें थंब्स जो लगाना पड़ेगा वो क्या घर से करके ले जाना है, देखो यार वो आप घर से करके ले जा सकते हो। अगर नहीं भी लेकर के जाते वहां पे यार पूरा मैनेजमेंट टीम रहता है, वो आपका करवा देगा। लेकिन फोटो घर से लगा के जाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फोटोग्राफ तो लगाना ही लगाना है, ठीक है, फोटोग्राफ को बिल्कुल भी मत छोड़ना। एक तो उस पर पेस्ट करके आना एडमिट कार्ड पे। दूसरी बात आई कि कितने लेकर के एक्स्ट्रा में जाए, मैं तो कहूंगा 4-5 लेकर के चले जाना, क्योंकि एक आध गुम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के साथ होता है कि रास्ते में खो देते हैं या कहीं वहीं पे इधर उधर जाने में कुछ खो हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी उसका इशू ना है, तो 4-5 फोटोज भी रख लेना। ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारी, एडमिट कार्ड एंड द सेकंड वन इज क्या आपका फोटोग्राफ। अभी आपका पता है कि अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट भी होने वाला है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, योर मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने यार बहुत सारे बच्चों की हेल्प की और मेरी भी हेल्प की है, वो बुक हमारी आती है ओसवाल की आईआईटी जेई की सॉल्ड पेपर्स, ठीक है, ओसवाल की आईआईटी जेई की सॉल्ड पेपर्स। इस मैंने भी खुद से यार तैयारी करी थी इसी बुक से, और मैं इसलिए रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि इसमें 19 इयर्स के लेटेस्ट पेपर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आप किसी की भी ले सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी चीज इस बुक की मेरे को क्या लगती है कि भैया इस बुक में ना सबसे बढ़िया चीज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट उसी के क्वेश्चन कर लो, कॉन्फिडेंस पूरा आ जाता है भैया, मतलब कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना पूरा। और क्या है, लेटेस्ट क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि यार बिल्कुल बेकार बेकार सा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, पुराने सारे तरह के क्वेश्चंस है, जिससे कि आपका माइंड पूरा अच्छा खासा बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इस बुक को मैं रिकमेंड कर सकता हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में अगर आपको परचेस करना है तो जाकर के इसे भी परचेस कर सकते हैं। एडमिट कार्ड और फोटोग्राफ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, हमारा आईडी कार्ड, वो भी ओरिजिनल आईडी कार्ड। बच्चे फोटोकॉपी उठा के लेके भगते हैं, नहीं, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा भैया, मैं अभी समझा दे रहा हूं। फोटोकॉपी लेके जाओगे वहां लात मार के गार्ड भगाएगा आपको, इसलिए ध्यान से जाकर के आप ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जाना। क्या है आईडी कार्ड, आप अपना जो है स्कूल का आईडी मत लेके जाना, आप कोशिश करो ये कि आप लेके जाओ आधार कार्ड, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आधार कार्ड, उसे ले जाना। वो नहीं है, पैन कार्ड अगर बनवा रखा हो गलती से, ठीक है, 18 साल से नीचे भी बन जाता है, इसलिए पैन कार्ड बनवा रखा हो, ड्राइविंग लाइसेंस तो किसी के पास होगा नहीं, तो ये सारे जो भी गवर्नमेंट से हैं, ठीक है, वो वाली चीजें आप लेकर के जा सकते हो। उसके बाद आ जाता है पहले नॉट टू कैरी, ठीक है, ये तो तीन डॉक्यूमेंट हो गए जो आपको लेके जाने ही जाने हैं। अब मैं बताता हूं क्या क्या कैरी नहीं करना है, उसके बाद बताऊंगा कि क्या क्या और कैरी करके ले जाना है वहां पे। पहली चीज जो सबसे पहले नहीं कैरी करना है, योर स्मार्टफोन, ठीक है। भैया बोलेंगे कि मैं तो बहुत दूर रहता हूं, इतना दूर रह रहा हूं, तो भैया आप बोलोगे कि नहीं ले जाऊंगा, फिर पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चों के साथ में पेरेंट्स जाएंगे तब तो कोई इशू नहीं है, कोई साथ में एक दोस्त जाएगा तो कोई इशू नहीं है, नहीं ना, अकेले जाओगे तो देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। पहली चीज आप सोच रहे होगे बैग, बैग और स्मार्टफोन, ये दो चीजें सबसे ज्यादा बच्चों की कैरी करके ले जाते हैं। देखो इसमें आपको ले करते जा सकते हो, ठीक है, लेके जा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट अंदर नहीं लेके जाने देंगे आपको। उससे पहले एक लॉकर होगा, उस लॉकर में आपका रखवा दिया जाता है। कभी कभार इशू देखने को मिला है, कुछ सेंटर्स पे देखने को मिला है कि ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तब इशू आता है,
ठीक है। और देखो आप वहाँ लॉकर में कर रहे हो तो उसका कुछ नॉमिनल कुछ चार्जेस होते हैं, 30, 40, 50 हर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो चार्जेस आप पे करके रखवा सकते हो। बट मैं कहूँगा अगर एज सच पॉसिबल है, कोई फ्रेंड है, मतलब जो आपसे जूनियर है या सीनियर कोई भी है, कोई आपका जानने वाला रिश्तेदार है, तो उस एक को लेके चले जाओ जो आपके साथ 3 घंटे वहाँ वेट कर ले, ठीक है। तो आप उसको दे दोगे, आपका काम बन जाएगा, जो भी सामान कैरी जो वो कह रहे नहीं ले जाना है वो आप उसको दे दोगे, पहली चीज, ठीक है। आपको बैग्स अंदर अलाउड नहीं होंगे, घर से अगर नहीं ले जाओगे तब तो बहुत अच्छा वेल एंड गुड है, स्मार्टफोन हो गया। थर्ड चीज, आपका कोई सा भी वॉच मत लेके जाना। आप बोलोगे भैया वॉच नहीं तो पेपर में कैसे टाइम देखेंगे, देखो यार वॉच नहीं होगी ना, पेपर में वहां लिखा रहता है टाइम, ठीक है, इस चीज की परेशानी मत करो, वहां टाइम लिखा आएगा कितना रिमेनिंग है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल सिली सिली बात बता रहा हूँ, जो बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, कोई वॉच वॉच मत लेकर जाना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, क्लॉथ्स, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्या हमें लेके जाना है, ठीक है, ड्रेस कोड हमारा होना क्या चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पहले ये बात करते हैं। कोई सी भी टाइट चीजें मत पहनना, ठीक है, बहुत ज्यादा ही टाइट जीन्स पहन रहे हो या बहुत ज्यादा ही आपने मतलब कपड़े ऐसे टाइट पहन रखे हैं कि भैया जो गार्ड जब चेकिंग करेगा तो उसको प्रॉब्लम आ जाए, इसीलिए ज्यादा टाइट मत। अब देखो टाइट का एक और रीजन भी है, एनटीए की तरफ से जो गाइडलाइन आती है उसका एक ये रीजन भी है, टाइट नहीं कहते हैं, बच्चे कंफर्टेबल थोड़ा हो, जैसे आप मैं ही जा रहा हूं एग्जाम देने के लिए, आप ही जा रहे हो एग्जाम देने, आप चाहोगे ना कि यार कंफर्टेबल रहें, ठीक है, ऐसा ना इशू हो कि वहां मतलब माइंड नहीं चल रहा, क्योंकि यार बॉडी थोड़ी कंफर्टेबल रहती है तो ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। तो टाइट नहीं पहनना, मैं बोलूंगा आपको यार आप जो है नॉर्मल सी कोई शर्ट पहन लो, ठीक है, नॉर्मल सी शर्ट पहन लो, उसके ऊपर हुडी या कुछ भी नॉर्मल सा, कुछ ज्यादा नहीं यार तड़कते भड़कते पार्टी वियर पहन रहे हो वो सब नहीं, एग्जाम देने जा रहे हैं हम, पार्टी करने नहीं जा रहे हैं, पार्टी उसके बाद होगी जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक ठीक है। तो ये हो गया, जीन्स वीन्स पहन सकते हो लेकिन ज्यादा टाइट ना हो, ये तो ड्रेस कोड रहा। वह जाते हैं क्या क्या आप कैरी कर सकते हो किसमें वो इशू बिल्कुल क्रिएट नहीं करने वाले। पहली चीज, ट्रांसपेरेंट बॉटल, आप अपना खुद का वाटर बॉटल लेकर के जा सकते हो जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये नहीं कि यार आप जिम वाले लेके जा रहे हो या कोई सा मतलब ट्रांसपेरेंट, उन्हें दिखना चाहिए कि भैया अंदर नहीं कुछ छिपा रखा है, मुद्दा ये है, ठीक है। तो वैसे वाला चीज आप ट्रांसपेरेंट बॉटल ले सकते हो। दूसरी चीज, आप बोलोगे कि यार मैं क्या पाउच लेकर के जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अगर कुछ लेके जाना है पेन या समथिंग, मैं आईडी कार्ड ही कैरी करना है तो मैं पाउच ले जा सकता हूँ, वैसे तो मैं बोलूंगा मत ले जाना, लेकिन लेके जाओगे भी तो आप लोग कैरी कर सकते हो, बट क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट आर पार दिखना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट मेन बात है कि यार आर पार दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, पहुंच भी ले जा सकते हैं। अब बात आएगी भैया मास्क लेके जाना है क्या, तो देखो यार आप मास्क अपना लेके जा सकते हो, बट वैसे सेंटर्स पे पहुंचोगे तो सेंटर्स पे भी वो यार एक न्यू मास्क देते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे वो ये सोचते हैं कि क्या पता आप मास्क में कुछ लिख करके ला रहे हो, तो इस रीजन की वजह से, ठीक है, तो वहां पे वो न्यू मास्क देंगे, लेकिन फॉर द सेफर साइड घर से भी एक मास्क लेकर के जाना, जिससे कि अगर कुछ वैसा हो भी गया तो खुद का मास्क है अपने पास। आप पूछेंगे भैया क्या हम अपना पेन लेकर के जाएंगे, वही वहां मिलेगा, पेन कैरी करके ले जा सकते हैं, तो यार वैसे तो आप लोग कैरी कर सकते हो, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है, आपका ब्लैक ब्लू रख सकते हो कोई से भी, बट ध्यान रखना कि वो भी ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा हो कि ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन एक और चीज मैं बता दूंगा, बहुत सारे सेंटर्स पे क्या होता है कि आपको पेन दे ही दिया जाता है, ठीक है, एनटीए की गाइडलाइन है कि यार पेन दे दिया करो, कहीं सेंटर्स पे होता है कि पेन नहीं मिलता, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा फॉर द सेफर साइड यू कैन कैरी योर ओन पेन, ठीक है, खुद का पेन लेकर के जाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, तो अपना पेन कैरी करके ले जाना। और एक बात आती है भैया, जो पैसे हैं वो पैसे हम क्या करेंगे, पैसे लेके जा सकते हैं क्योंकि यार रास्ते भर में खर्चे होंगे, मेट्रो कार्ड हो गया, हाँ तो मेट्रो कार्ड भी ले जा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पैसों की जहां तक बात है वो भी लेके कैरी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है पैसों के अंदर। अब बात आती है भैया बेल्ट वेल्ट पहने ना पहने, तो मैं बोलूंगा मेटल की चीजें अवॉइड करना, ये सबसे मोस्ट एक इंपॉर्टेंट टिप दे दी कि बॉडी के अंदर मेटल की चीजें थोड़ा सा डिटेक्ट हो जाता है, फिर वो लोग थोड़ा सा टाइम फालतू का पास करने लगते हैं, इसलिए मेटल की बेल्ट वेल्ट कोशिश करना ना ही पहन के जाओ तो ज्यादा बेस्ट है। हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यार जब पहुंच रहे हो ना तो जो रिपोर्टिंग टाइम है वहीं पे पहुंच जाया करो, ये नहीं कि यार जब एग्जामिनेशन टाइम है उससे पहले पहुंच रहे हो, रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाओगे तो थोड़ा एक मोटिवेटेड फील करोगे, जल्दी पहुंच जाओगे तो कूल डाउन रहोगे, किसी चीज की परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है, इसीलिए मैं कहूंगा थोड़ा जल्दी पहुंच जाना। ये एक मैंने अलग से एक टिप दे दी, ये कोई कैरी नॉट कैरी में नहीं था, बट ये मैंने अलग से एक टिप दी है, जो बच्चे गलतियां करते हैं लास्ट मोमेंट पे जब जल्दी भगदड़ में भागते हैं ना तो इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। तो आई होप सो कि सारी चीजें मैंने समझा दी, फिर भी कुछ आपको डाउट्स आते हैं, कुछ आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ध्यान से यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि पूरी जर्नी इसी चैनल पे हो रही है। सो बस यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।